नमस्कार। सो ये वीडियो स्पेशली फॉर, क्योंकि देखिए इंडिया में बहुत बड़ा सेगमेंट ऐसे में PGDM / MBA करने वालों का, और मेरा लास्ट वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया, काफ़ी फ़ोन आए, आप लोगों को क्लैरिटी मिली कि किस तरह MBA में कितने टाइप के इंडिया में कॉलेजेस हैं, वो जो मैंने उससे रिलेटेड बनाया था। अब देखिए इस वीडियो को बनाने का पर्पस क्या है मेरा फिर से आपके लिए, स्पेशली इन द केस ऑफ MBA, क्योंकि बाकी जितने भी पढ़ाई हैं, चाहे हम मास्टर्स की बात करें या अंडर ग्रेड की बात करें, तो एक नॉर्मल एडमिशन है जो मई जून में स्टार्ट होता है। लेकिन चूँकि MBA के जो सारे कॉमन मेन पेपर हैं CAT, SNAP, NMAT, ZED, उस क्वालिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं विच आर फॉर इंडिया टॉप स्कूल्स, 20 स्कूल्स, उन सब के पेपर हैं नवंबर दिसंबर में हो जाते हैं। तो अभी से जो टेलीकॉलर्स होते हैं वो आपके पीछे पड़ गए होंगे कि एडमिशन करा लो, और फलाना सीट ख़त्म हो रही है, फलाना सीट ख़त्म हो रही है। तो देखिए जहाँ तक फिर से मैं पता, जो टायर वन कॉलेज हैं, जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें IIMs, MDI, FMS, XLRI, नारसिमोनजी मुंबई, सिम्बियोसिस पुणे टाइप के कॉलेजेस आते हैं, वो कभी आपको फ़ोन नहीं करेंगे, उनके लिए कोई कंसल्टेंट भी आपको फ़ोन नहीं करेगा। टायर 2 और 3 के कॉलेजेस के लिए आपको फ़ोन ज़्यादा आ रहे होंगे, जहाँ पर सीटें भरने की थोड़ी सी समस्या भी है, और उसमें कुछ अच्छे भी होते हैं जिनमें आपको डोनेशन देनी पड़ती है। बट इसी कैटेगरी में एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, और फिर से आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आपको पता है कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दिक्कत क्या ये होती है कि इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन इन द सेंस, क्योंकि एक तो सारे कॉलेज दिल्ली में हैं, यू एक्चुअली गेट अ MBA डिग्री, और फ्यूचर में अगर कभी ना PhD वगैरह करनी हो तो यू आर ऑलरेडी मास्टर, ऑफिशियली मास्टर्स, अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ जो इंडिया के कॉलेजेस हैं वो आपको PGDM देते हैं, बट ये प्रॉपर आपको MBA की डिग्री दे देता है, और बहुत शानदार, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है। सबसे बड़ी बात यह है भाई कि जो फी स्ट्रक्चर है वो सिर्फ 1.5-1.5 लाख रुपए साल का, दैट मीन जो ट्यूशन फीस है वो आपका काम 3 लाख रुपए में हो जाता है। अगर आप दिल्ली के नहीं भी हैं तो बाहर से आएंगे, जो भी आपको PG VG लेना पड़ेगा आप 1 लाख रुपए साल के उसके जोड़ लीजिए, तो 5 लाख रुपए में आपकी MBA फ्रॉम एक्चुअल दिल्ली होती है, बट नॉट इन द ग्रेटर नोएडा वाली दिल्ली, एक्चुअल दिल्ली। और कुछ तो इसमें से बहुत ही, जैसा मैंने कहा, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में तो खैर PGDM होता है, दे डोंट हैव परमिशन टू रन MBA ऑफ IP, लेकिन एक तो IP की मेन कैंपस में होता है, देखिए वो तो CAT में भी अच्छी रैंक वाला बच्चा ही जाता है, लेकिन उसके अलावा महाराजा अग्रसेन जो बहुत फेमस है BTech के लिए, महाराजा सूरजमल, फिर रुक्मिणी देवी आ जाता है, IITM के दोनों कैंपस आ जाते हैं, गीता रतन, मतलब आई थिंक दे ऑल आर प्रॉपर दिल्ली। तो वंस अगेन सिर्फ पर्पज़ ये था आपको बताने के लिए कि आपके पास ये भी ऑप्शन है जिसमें रीजनेबल बजट में आपका काम हो जाता है, अगर आपका CAT का परसेंटाइल ठीक ठाक है, और नहीं भी हो रहा होता तो हर IP में मैनेजमेंट सीट भी होती है, और वो बहुत बहुत नॉमिनल, मतलब कि 3-4 लाख ऊपर देकर भी आपको मैनेजमेंट सीट भी मिल सकती है, विच मीन्स फिर भी आप टोटल देखेंगे तो आपका काम 7-8 लाख में हो जाएगा, वो भी जैसा मैंने कहा दिल्ली के अंदर। तो कम से कम जो माहौल है, जो एक्सपोजर है, वो दिल्ली सिटी का मिलता है। समर इंटर्नशिप्स में बहुत आसानी होती है क्योंकि आप दिल्ली में हो। मैं प्लेसमेंट की गारंटी नहीं लूँगा सब स्कूल्स की, वो मेरा काम भी नहीं है, और वो तो टॉप स्कूल्स हैं, वो आपको देखने हैं, आपको हमारी मदद चाहिए तो आप जानते ही हैं। अदर देन MBBS हमारा 25,000 रुपये का काउंसलिंग पैकेज है फॉर एवरीथिंग ऑन ऑल अदर कोर्सेज टू हेल्प यू, चाहे वो स्टडी अब्रॉड हो, चाहे वो MBA हो, चाहे वो BTech के एडमिशन्स हो इंडिया में। तो वी हैव फ्लैट 25,000 रुपीज़ एज अवर फीस, जिसमें फिर आपको गाइड करते हैं कि टॉप कॉलेज में आपको कैसे जाना है, राइट। तो बस ये पर्पस था, क्योंकि इसका फॉर्म खुल गया, देखिए पहले से फॉर्म भी लेट खुलता था, लेकिन वही होता, जब तक IP फॉर्म खुलती थी तब तक बाकी सब फॉर्म ख़त्म कर देते थे, तो इनकी सीटें खाली रह जाती थी। तो फॉर्म खोल दिया इन्होंने, मैं आपको अभी बता दूँ, फिर भी सच्चाई की बात यह है कि एडमिशन तो मई जून में ही होंगे, पढ़ाई आपकी हर जगह जुलाई में स्टार्ट होती है। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका URL जो है वो ipu.admission.nic.in है, उसमें आप जाइए और देखिए, मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के। और फिर से अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, आप जानते ही हैं 9643362320 बात करने के लिए, यू नो 2500 रुपीज़ फॉर काउंसलिंग फ़ोन, 5000 फॉर फेस टू फेस, दैट इज़ फर्स्ट मीटिंग, और अगर आप हमारा पैकेज लेते हैं 25,000 का तो दोनों फीस उसमें एडजस्ट हो जाती हैं। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक फॉर MBA PGDM एस्पिरेंट्स। और सिर्फ मैं ये कहना चाहता था वीडियो के माध्यम से कि दिल्ली की इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और उसके एफिलेटेड कॉलेजेस को भी
अपनी लिस्ट में रखिए, अपनी रिसर्च खुद कीजिए, प्लेसमेंट फिगर्स वगैरह खुद चेक कीजिए, IPO की वेबसाइट पर जाइए, देखिए कौन कौन से MBA कॉलेजेस हैं जो आपको IPO की डिग्री देते हैं. IPO इज़ ए यू नो बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो आपको एडवांटेज होती है. अच्छी आपकी कैट में रैंक है, सीमेट है, ये मैं आपको बता दूँ कि IPO में भी पहली चॉइस है कैट. तो जिन बच्चों ने कैट का पेपर ही नहीं दिया वो अभी भी ले सकते हैं, अगर आप सीमेट का पेपर ले लें. नहीं तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप एक IPO का MBA अपना पेपर भी लेती है जो बहुत सिंपल होता है, सेक्शन सेम ही होते हैं, क्वांट, इंग्लिश, वर्बल. लेकिन ये बात आप क्लियर रखिए कि इनका रूल बहुत सिंपल है, पहले कैट के बच्चों को प्रेफरेंस दी जाएगी. दैट मीन्स कैट में किसी के 10% भी हैं और सीमेट में 95% हैं, CET में 99 है, जो CET मतलब जो IPO पेपर लेगी तो भी पहले सीट कैट को मिलेगी. तो ये ना इंटरमिंगलिंग नहीं करते हैं. दैट मीन्स राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 काउंसलिंग का सिर्फ कैट के स्कोर पे होगा. जब कैट के स्कोर के बच्चे नहीं आएंगे तब सीमेट के बच्चे और फिर MBA में CET के बच्चे जो अपना पेपर लेंगे, ये ध्यान रखना है. तो ये भी मैं बता दूँ कि कैट अगर आपने लिया था तो बहुत चांस है, और भाई मैं आपको कैट से पहले या अगले साल वाले बच्चों को भी हेल्प होगी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि कैट में ज़रूर बैठें. चाहे आपकी तैयारी हल्की हो, ज़्यादा हो, चाहे आपके कैट में जैसा मैंने कहा सिर्फ 15-20% स्कोर है जो बहुत ख़राब माना जाता है, लेकिन फिर भी आपके IPO में चांसेस होते हैं. और IPO में चूँकि एडमिशन्स लेट होते हैं, टेलीकॉलिंग नहीं कराई जाती IPO के द्वारा या उनके मोस्टली कॉलेज के द्वारा, बिकॉज दे ऑल आर गुड कॉलेजेस, तो कभी कभार कम परसेंटाइल पे भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं अगर आप वेट करते हैं आराम से. और जिन कॉलेज के आपको फ़ोन आ रहे हैं वो कॉलेज तो जून में भी मिल ही जाएंगे, ट्रस्ट मी. ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.